एक बंद केस आप खुलवाते हैं और फिर सर्च ऑपरेशन करवाते हैं। जो मामला बंद हो चुका था 8-10 में, उसके बावजूद भी बिहार की सरकार जाने की टीस है, लेकिन इतनी मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए कि हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी की पत्नी क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है। आप सुबह से 12 घंटे तक वहां बैठे हुए मिस को इनवाइट कर रहे हैं, या उनकी बहनों की, यहां आपके लोग 12 घंटे से बैठे हैं, कोई पूछताछ नहीं, बैठे हुए हैं 10 मिनट की पूछताछ, बैठे हुए हैं, क्या चाहते हैं, नई रवायत कर रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तौर पर लड़िए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इन संस्थाओं के चरित्र के साथ जो खिलवाड़ हुआ ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, सार्वजनिक जीवन के लिए उचित नहीं है। हमारे लोग परेशान है बिहार में, दिल्ली में, झारखंड में, अगर वो सड़कों पे आ गए तो। सीबीआई ईडी का आखिर काम क्या है? भ्रष्टाचारियों को पकड़ने पर कार्रवाई करना। तो तेजस्वी यादव और लालू परिवार ये बताएं कि आखिर लालू यादव 141 भूखंड के मालिक कैसे बन गए? गरीब परिवार में पले बढ़े लालू प्रसाद यादव और आज बिहार के सबसे बड़े जमींदार हैं। आज लालू परिवार 141 भूखंड, 30 से ज़्यादा फ्लैट और आधे दर्जन से ज़्यादा मकानों के मालिक बन गए। और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव बताएं, तेजस्वी यादव के जिस मकान पर छापा पड़ा दिल्ली में D1008 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, आखिर इस 4 मंजिले मकान के मालिक कैसे बन गए? आखिर वो मकान किसका है, मालिक कैसे बने वो? तो ये तो इनका, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो तेजस्वी यादव बताएं कि 23 साल की उम्र में 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? तेज प्रताप यादव 28 संपत्ति के मालिक बन गए, मीसा भारती 23 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक बन गई। तो आखिर इनका पास इनका जवाब नहीं कि आखिर ये इतनी संपत्ति इन्होंने कैसे इकट्ठा कर लिया? जिन पर हो रहा है तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या कहना है? आपका सहयोगी पार्टी जो आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया कहीं पर कुछ होता है उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहाँ पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा है बोलिए ना, 17 में हुआ था और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग हो गए, 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोगों के एक साथ हो गया, तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या कर, कितना साल पहले से रेड हो रहा था, तब फिर हो रहा, तब कौन चीज कर, क्या कर रहे तो याद कर लीजिए, खाली 17 हुआ, जिसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहाँ के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया, हम भी मान लिए उन लोगों की बात, तो फिर उन लोगों के साथ आप फिर इधर आए हैं, तो देखिए उन पर रेट शुरू, तब क्या मामला है क्या मामला नहीं है ये तो वही लोग ना बताएंगे, यही लोग जवाब दे ही रहे, तो अब आप बताइए ना, तो हम आपको बता दिए 17 में हुआ तब फिर क्या हुआ, अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है, सब कुछ हो गया तो क्या हुआ, काहे नहीं उस समय हुआ था। केसीआर की बेटी कविता को क्या बोले, एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे, अब हम हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले लें कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का तो ऐसे ही पीछे किए हुए रोज बोलना पड़ता है ना, सुशील मोदी क्या चीज करते हैं इसको छोड़िए ना, सुशील मोदी नहीं बोलेंगे बेचारे रोज, उनको तो रोज बोलना ही ना है, हम क्या चाहते बोलिए, तब हम क्या बोले, एक बार तो बोल चुके हैं ना सब जी, तो वो नहीं बोलेंगे रोज रोज तो कैसे होगा, बोले रोज बोलते रहे, जितना और बोलना है मेरे खिलाफ भी बोलते रहे।